हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ व्रत वाली शाही पनीर। ये बनी कैसी है एक्चुअली मैं भी नहीं बता सकती क्योंकि मैंने इसे चखा नहीं है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ में शेयर कर लूँ। पहले सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी नवरात्रा। आज नवरात्रा का पहला दिन है, तो जय माता दी आप सभी को। और मैं कामना करती हूँ कि आपके जीवन में माता रानी सुख और समृद्धि बनाए रखें और साथ ही साथ पूरे परिवार पर भी माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। इसी के साथ में चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। जब भी हम नवरात्रा करते हैं तब उसके अंदर हम सात्विक खाना ही पसंद करते हैं। तो ये जो शाही पनीर है इसके अंदर मैंने लहसुन, प्याज, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर का यूज नहीं किया है और मैंने ट्राई की है कि मैं बहुत अच्छा इसको बना पाऊँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर ले लिया है। इसे मैंने ट्रायंगल शेप में काटा है, आप अपनी मनपसंद के किसी भी आकार में काट सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी। मैरिनेट करने के लिए मैंने आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच सेंधा नमक डाला है। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर या फिर हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी का डाल दिया है। अगर आप तेल खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर तेल भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको हम ढक्कन लगा के आधा घंटे तक मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पे पतीला चढ़ा लिया है और उसके अंदर पानी का डाल दूंगी 1 कप। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर काट के ले लिए हैं और 2 हरी मिर्च। यहाँ पर फ्रेंड्स, मेरी जो हरी मिर्च है वो थोड़ी कम तीखी है। अगर आपके पास में ज़्यादा तीखी है तो आप इसमें कम ऐड कर लीजिए। 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया। यहाँ पर मैं 5 काली मिर्च डाल दूंगी और 4 से 5 लौंग डाल दूंगी इसमें। दो बड़े चम्मच मैं काजू ऐड कर दूंगी यहाँ पर। यहाँ पर मैं हाई फ्लेम पे ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट तक पका लूंगी। देखिए, 5 मिनट के बाद में हमारे जो टमाटर है वो एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी साइड में। यहाँ पर मैंने शाही पनीर बनाने के लिए एक कढ़ाई ले ली है, इसे मैं हाई फ्लेम पे गर्म कर लूंगी। ये 2 से 3 चम्मच कसूरी मेथी है। अगर आपके पास में कसूरी मेथी न हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इसे हाई फ्लेम पे मैं 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लूंगी। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें इसे ड्राई रोस्ट ही करना है। 3 से 4 मिनट के बाद में मैं इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दूंगी। दोबारा कढ़ाई गर्म करने के बाद में मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ पनीर डाल दूंगी। यहाँ पर मैं लगातार चलाते हुए पनीर को 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा पनीर जो है वो कढ़ाई के तले में लग रहा था, इसलिए मैंने 2 चम्मच इसमें घी ऐड किए हैं। यहाँ पर हमारी सब्जियाँ ठंडी हो चुकी है, इसका मैं पेस्ट बना लूंगी। फ्रेंड्स, मैं इसमें अदरक दिखाना भूल गई थी। जब मैंने इसका पेस्ट बनाया था तब मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसमें ऐड कर लिया था। देखिए, हमारा पेस्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। कढ़ाई गर्म करने के बाद में मैं इसमें 4 से 5 चम्मच घी के ऐड कर दूंगी। यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं और अगर आप जीरा खाना पसंद करते हैं तो 1 चम्मच डाल दीजिए इसमें। यहाँ पर मैंने 2 से 3 तेज पत्ते डाल लिए हैं, 2 से 3 मैंने लौंग डाली है, 1 मैंने हरी इलायची ऐड कर ली है। यहाँ पर मैं इसे 1 मिनट तक पका लूंगी। 1 मिनट तक पकाने के बाद में मैं इसमें पेस्ट ऐड कर दूंगी। पेस्ट को हमें यहाँ पर सरफेस आउट होने तक पकाना है। सरफेस आउट होने के बाद में इसमें मैं 4 से 5 बड़े चम्मच मलाई डाल दूंगी, होममेड। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहो तो बाजार की लाई हुई क्रीम भी डाल सकते हो।
लेकिन जब मैं व्रत करती हूँ तो घर की ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करती हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप मलाई ऐड कर लें तो उसके बाद में आपको लगातार चलाते हुए पकाना है, नहीं तो आपकी जो मलाई है वो फट जाएगी। यहाँ पर मैंने एक चम्मच सेंधा नमक और एक चम्मच काली मिर्च ऐड कर ली है। आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर इसको। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा मसाला उछलता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ढक्कन लगा के पका लूँगी। 2 मिनट बाद में ढक्कन हटा के मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी। देखिए धीरे धीरे हमारा जो मसाला है वो पकने लगा और सरफेस आउट होने लगा दोबारा से। दोबारा इसको ढक्कन लगा दूंगी। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मिक्सर में चारों तरफ लगा हुआ मसाले का पानी था वो मैंने डाल दिया है यहाँ पे। साथ ही साथ में मैं इसमें पनीर भी ऐड कर दूंगी। ग्रेवी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन जब हम व्रत करते हैं थोड़ी ग्रेवी वाली पनीर ही अच्छी लगती है हमें। इसके बाद में इसको यहाँ पे अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पर मैं 5 मिनट तक इसको ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी उबाल आने तक। देखिए 5 मिनट के बाद में हमारी सब्जी में उबाल आने लगा यहाँ पे। इसको मैं अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर सर्व कर लूंगी। कढ़ाई में सर्व करने के बाद में मैं इसमें मलाई और हरे धनिये से गार्निशिंग कर दूंगी इसकी। तो फ्रेंड्स आ गया ना, सॉरी इस बार ऐसा नहीं बोलूंगी, मुझे पता है सभी के नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैं इसको भी खाऊंगी तब बताऊंगी कैसी बनी। और फ्रेंड्स जब आप इसको चख लो तो ज़रूर मेरे को बताना कि कैसी बनी। और साथ ही साथ जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, प्लीज़ 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 लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। साथ ही साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। जय माता दी।